हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममास किचन। आज आप सबके लिए मैं लाई हूँ बारिश के स्पेशल डिश भजिया प्लेटर। आज मैंने चार अलग अलग तरह के पकोड़े बनाए हैं, जिसमें आलू के भजिए यानी कि आलू भजी, कांदा भजी, अजवाइन के पकोड़े और बटाटा वड़ा बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा अजवाइन का पौधा। तो सबसे पहले हम लोग अजवाइन के पत्ते काट लेंगे। पत्ते आप कैंची से काटें और थोड़े बड़े बड़े ही पत्ते आपको काटने हैं। फ्रेंड्स, बाज़ार में नहीं मिलते हैं ये अजवाइन के पकौड़े, तो आपको ये घर पर ही उगाना पड़ेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं अजवाइन के पकोड़े। अब उसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। देखिए उसमें बहुत सारी मिट्टी है, तो उसको हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ऐसे हाथ से आप पानी से मलोगे तो अच्छे से मिट्टी निकल जाएगी उसमें से। उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और 10 मिनट बाद वैसे ही मैं रख दूंगी उसको पानी में, ताकि बाकी जो मिट्टी हो वो भी निकल जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि पत्तों में लगी सारी मिट्टी निकल चुकी है। आपको मैं दिखाती हूँ पानी के अंदर जो मिट्टी दिख रही है, मगर मैं और भी एक पानी से उसको वॉश करूँगी, ताकि अगर बाकी हो मिट्टी वो भी निकल जाए। वॉश करने के बाद उसको नेपकिन के ऊपर सुखा दे पंखे की हवा के नीचे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। अच्छे से सूखने के बाद उसके पकोड़े हम लोग बनाएंगे। तब तक हम और पकोड़ों की तैयारी करेंगे। ये मैंने चार बड़े साइज़ के कांदे लिए हैं, जिसको मैंने स्लाइस में काटे हैं, लंबी स्लाइस में काटना है। ये एक बड़े आलू की मैंने गोल स्लाइस बना ली है, आप स्लाइजर भी यूज़ कर सकते हो। ये आधा किलो आलू को मैंने बॉईल करके मैश किया है। 250 ग्राम बेसन लिया है। ये मिर्ची और करी पत्ता है जिसकी मैं पेस्ट करने वाली हूँ, आप गार्लिक भी डाल सकते हो उसमें। ये हरा धनिया है, उसको मैंने पहले से ही वॉश करके काट लिया है। ये लाल मिर्ची पाउडर है, हींग है, हल्दी है, अजवाइन है, स्वाद अनुसार नमक है और सरसों के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स है। तो सबसे पहले कांदा पकौड़े की तैयारी करेंगे। उसमें स्वाद अनुसार नमक हम लोग ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून जितनी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आधा टीस्पून जितनी हल्दी ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और ये अजवाइन है एक टीस्पून जितनी लेनी है, और उसको ऐसे हाथ से मल के ही डालना है। अब उसको अच्छे से मिक्स करें, ताकि कांदे में जो रहा मॉइस्चर हो वो रिलीज़ हो। नमक डालने से कांदे में मॉइस्चर रिलीज़ होता है। हम लोग एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने वाले हैं, उसी में हम लोग बेसन ऐड करेंगे। अब उसको 10 मिनट वैसे ही साइड पर रख देंगे। तब तक हम बटाटा वड़ा की तैयारी करेंगे। ये बटाटा वड़ा का मावा है, बटाटा का मावा है, तो उसमें हम तड़का लगाएंगे। एक टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करेंगे, उसमें राई डालेंगे एक टीस्पून जितनी, चुटकी भर हींग और चुटकी भर हल्दी डालेंगे और ये तड़का हम आलू के ऊपर डाल देंगे। अब उसमें करी पत्ता और मिर्ची की पेस्ट डालें और हरा धनिया भी डाल दें साथ में, अपने स्वाद अनुसार लीजिए। फिर स्वाद अनुसार नमक डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप उसमें आमचूर पाउडर या लेमन जूस भी डाल सकते हो।
लहसुन पसंद है तो वो भी डाल सकते हो आप उसमें। अब उसके गोले बना लीजिए, आप अपने मन चाहे साइज़ के गोले बना लो, चाहे चपटे या गोल। मैं थोड़े चपटे बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं उसके वड़ा पाँव भी बनाने वाली हूँ। ये देखिए ऐसे बनाने हैं चपटे वड़े। अब कांदे में हरी मिर्ची और धनिया मिक्स कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हो कांदे में से मॉइस्चर रिलीज़ हो चुका है। अब उसमें हम लोग धीरे धीरे करके बेसन मिलाएंगे। याद रखिए बेसन एक साथ नहीं मिलाना है। अगर आपके कांदे में मॉइस्चर नहीं रिलीज़ हुआ तो एक या दो चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। अब मैं 3 चम्मच जितना बेसन ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करना है। बेसन अच्छे से कोट हो जाए कांदे के ऊपर वैसे ही मिक्स कर कीजिए। धीरे धीरे करके आप बेसन मिक्स करते जाइए। मुझे और थोड़ा लग रहा है कि और गीलापन है कांदे में, तो मैं और 2 चम्मच उसमें बेसन मिलाने वाली हूँ। तो टोटल मैंने 5 टेबलस्पून जितना बेसन मैंने ऐड किया है। अब वापस उसको मिक्स कर लेंगे। कांदे का बैटर बिल्कुल ही गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके पकोड़े एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आपका कांदा का पकोड़ा क्रिस्पी नहीं हो रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच चावल का आटा या सूजी भी मिला सकते हो। ये देखिए मेरा कांदे का बेसन एकदम रेडी होता जा रहा है, अच्छे से रेडी हो चुका है। अब उसको हम साइड पे रख देंगे। अब बेसन का घोल बनाएंगे हम लोग। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चुटकी हींग डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। उसको ड्राई ही मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है। ये करते समय आप तेल गरम करने के लिए रख दीजिएगा गैस के ऊपर। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइए और अपना बैटर रेडी करते जाइए। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिएगा। मेरा बैटर रेडी है, उसमें मैं गरम ऑयल डालूंगी जो मैंने ऑलरेडी गरम करने के लिए रखा था। कम से कम 2-3 टेबलस्पून डालना है। ये तेल डालने से अपने पकौड़े बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। तेल डालने के बाद उसको एकदम अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब बेसन का बैटर हमारा रेडी है, उसमें अजवाइन के पत्ते डालें, उसको अच्छी तरह कोट कर लें और एक एक करके गरम तेल में डालते जाइए। गैस की आंच एकदम ही स्लो नहीं रखनी है या फास्ट भी नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे आपको ये पकोड़े तलने हैं। अब देखिए मेरे पकोड़े एकदम फूले फूले, पूरियों के जैसे फूल रहे हैं वैसे बन चुके हैं। दोनों साइड से अच्छे से तलने हैं और गोल्डन क्रिस्पी हो जाने के बाद उसको टिश्यू पेपर पे निकाल देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मेरे सारे अजवाइन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब वैसे ही मैं आलू के पकौड़े बनाऊंगी, आलू भजी बोलते हैं उसको। उसको भी वैसे ही बेसन में डुबो के दोनों साइड से कवर करके एक एक करके गरम तेल में डालना है। अच्छी तरह कोट कर ले दोनों साइड पे और एक्स्ट्रा बेसन निकाल के उसको एक एक करके गरम तेल में तलिए। ये देखिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ। और मेरे आलू के पकौड़े भी एकदम फूले फूले से पूरियों के जैसे फूल रहे हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह से उसको डीप फ्राई कर लेना है और उसको भी टिश्यू पेपर पे निकाल देने का है। तो वैसे ही सारे आलू के पकौड़े बना लेने हैं। अब कांदा भजी करेंगे हम लोग।
कांदे को ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है, नहीं तो एक साथ चिपक जाएगा। उसको भी मीडियम आंच पे ही तलना है, जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो जाए। गोल्डन और क्रिस्पी हो जाने के बाद उसको भी टिश्यू पेपर पे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए मेरे पकोड़े एकदम से क्रिस्पी होते जा रहे हैं, तो उसको निकाल के हम लोग टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि उसका भी ऑयल निकल जाए एक्स्ट्रा। वैसे ही सारे पकोड़े आप बना लीजिए। अब बटाटा वड़ा भी हमको ऐसे ही तलना है, मगर उसको हम लोग चम्मच से यूज़ करेंगे, चम्मच का यूज़ करेंगे उसके लिए। अब बटाटा वड़ा को चम्मच से तेल में डालें, चम्मच से बहुत ही इजी रहता है बटाटा वड़ा को बेसन में से निकाल के तेल में डालने का। एक एक करके डालते जाए आप। उसको भी दोनों साइड पे अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन कलर का। ये देखिए मेरे बटाटा वड़ा अच्छे से बन रहे हैं। अब उसको भी मैं टिश्यू पेपर पे निकाल दूंगी और वैसे ही मैं सारे पकोड़े बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, तैयार है मेरी भजिया प्लेटर। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।